अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहते हैं बच्चों हम आपको नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिसेप्शन क्लास में मेरा उर्दू कायदा। तो रिसेप्शन के बच्चे मेरे साथ मेरा उर्दू कायदा की किताब निकाल लीजिए। मेरा उर्दू कायदा में बच्चों आज हमारा सबक है सफ़ा नंबर 8 पर। सब बच्चे मेरे साथ सफ़ा नंबर 8 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 8 पर बच्चों हमारे पास हर्फ है टे, जिसकी आवाज़ है ट ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? ट ट टमाटर, ट टमाटर, ट टोपी, ट टोपी, ट टोकरी, ट टोकरी, ट टमाटर, ट टोपी, ट टोकरी। बच्चों आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर्फ हमारे पास है ट, मेरे साथ पढ़िए ट। ट टमाटर, ट टमाटर, ट टोपी, ट टोपी, ट टोकरी, ट टोकरी। चलिए बच्चों ट की पढ़ाई के बाद अब हम ट की लिखाई की मशक की जानी बातें हैं। बच्चों ट वैसे ही है जैसे हमारे पास ब प त थे, बस फर्क यह है कि ब प त में ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं नुक्ते थे, पर ट में कहीं भी नुक्ता यूज नहीं होता बल्कि हम ट के ऊपर छोटी त्वा डालते हैं। चलें अब हम लिखाई की मश्क करते हैं। ट बच्चों वैसे ही लिखना है जैसे हमने ब लिखा था, पहले तिरछी लाइन, फिर लेटी हुई लाइन और फिर ऊपर गोलाई की जानी में, थोड़ा सा ऊपर गोलाई की जानी में। ट ट के ऊपर छोटी त्वा, ट ट के ऊपर छोटी त्वा। फिर से बच्चों तिरछी लाइन, लेटी हुई लाइन, ऊपर थोड़ा सा गोलाई की जानी में। ट लिखने के लिए छोटी सी लाइन और उसके बाद ऐसे ट ट टमाटर। फिर से बच्चों तिरछी लाइन, लेटी हुई लाइन, ऊपर गोलाई की जानी में। ट ट के ऊपर छोटी त्वा, ट ट के ऊपर छोटी त्वा। बच्चों फिर से लिखिए तिरछी लाइन, लेटी हुई लाइन, ऊपर गोलाई की जानिब। ट ट के ऊपर छोटी त्वा, तिरछी लाइन, लेटी हुई लाइन, गोलाई की जानिब ऊपर। ट ट के ऊपर छोटी त्वा, ट टोपी। फिर से लिखिए बच्चों मेरे साथ तिरछी लाइन, लेटी हुई लाइन, ऊपर गोलाई की जानिब। ट ट के ऊपर छोटी त्वा, ट टोकरी। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। आपने ऐसी वीडियो को देखते हुए पढ़ाई और लिखाई की मशक करनी है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।